तो जैसे कि हमने शिवानी सिंह जी से बात की थी, जो गुरुम बस्ती में रहती हैं, जो कि दुबई से आई हैं, जिनका वहाँ पे चेकअप भी हुआ था, जहाँ पे उनको क्लीन चिट मिली थी, यहाँ पर भी उनका टेस्ट हुआ है, जहाँ पे भी उनको क्लीन चिट मिली है, फिर भी यहाँ के लोग कुछ समझने को तैयार नहीं है। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं तो इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो श्योर ही थी, क्योंकि मैंने तो इतना ट्रैवल किया और सारे लोगों ने मुझे चेक किया है। तो मैं यहाँ पर आई तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सोसाइटी है, मुझे तो उन लोगों को भी सुनना चाहिए। तो मैंने उन लोगों की वजह से मैं गई। वैसे तो मैं जाने वाली थी, क्योंकि मुझे भी खुद श्योर होना ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स है, मेरे फ्रेंड्स है, और मुझे भी मरना नहीं है, मुझे भी जीना है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, लेकिन जिस तरह से मुझे कहा गया था कि तुमको रहना है 14 डेज़ अंदर, तो मैं तो वही फॉलो कर रही थी। लेकिन उन लोगों ने एक बच्चे के, एक छोटा सा लड़का आके मुझे बोला कि आपको, आपका कौन आया है घर पे, चलो निकालो, वो मुझे पसंद नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो मेरे लिए इतना कंसर्न है, वो उतना मेरे गांव के लोग अगर मुझे, मेरे लिए वो लोग इतना लाइक सोच रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मेडिकल टीम भेजना चाहिए मेरे लिए कि ये लड़की आई हुई। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने ट्रीट किया मेरे साथ, लाइक अभी भी आज भी यहाँ पे ग्रुपिज्म कर रहे हैं कुछ लोग, उनको बैठना चाहिए इस अवस्था में घर के अंदर, लेकिन वो लोग तो बाहर निकल के गफ्फे लड़ा रहे। तो जब पुलिस आई तो कुछ लोगों ने फिर से वही बात निकाली मेरे घर के बारे में, वो सब भी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर तुम इनिशिएटिव ले रहे हो तो अरे कुछ करो, तुम उसको अच्छी तरह से बिहेव करो, रिसर्च करो कि वो कैसे आई, कैसे ये हुआ, रिसर्च करो, उसके बाद तुम इनिशिएटिव लो, उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ, हेल्प करो। ये लोग हेल्प तो नहीं कर रहे, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लोग ब्लेम कर रहे हैं, लाइक तुम्हारे पास ऐसा है, भागो भागो, इस तरह से वो लोग कर रहे। कोई बात नहीं, मुझे वैसे उन लोगों की मुझे कुछ लाइक, मैं उन लोगों को कुछ केयर ही नहीं करती, ठीक है। तो मैं गई तो वहाँ भी मुझे सेम ही बात बोला जो मुझे इतने सारे डॉक्टर ने बोल रहे थे कि आपको घर के अंदर ही रहना है। अब ये लोग का दिमाग में शायद होगा कि उनको बाहर ही निकालना, इन लोगों की मेंटेलिटी में ये होगी कि अगर इसको बीमारी है तो इसको बाहर निकलना होगा और बैठना पड़ेगा। लेकिन कोई डॉक्टर मुझे ले ही नहीं रहा है, वो बोला घर में बैठे, ना मुझे सर्दी है ना मुझे बुखार है, कोई भी डॉक्टर बोला घर में रहते, तो मैं ऑब्वियसली डॉक्टर की सुनूंगी, इनको, इन लोगों की तो नहीं सुनूंगी ना मैं। और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि चलो मैं 14 दिन घर के अंदर चुपचाप से बैठूंगी। और मैंने कल जो पुलिस आई तो उनके साथ भी मैंने यही बात किया, चलो ठीक है मैं जाऊंगी, उसके बाद भी अगर ये लोग मुझे ऐसे परेशान करेंगे तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के हाथ में। उन लोगों ने तो नॉर्मली जवाब दिया, अरे ऐसा कोई बात नहीं है, तुम जा। तो मैं उसके बाद थाना भी गई, ठीक है, रिपोर्ट लिखाने, FIR करने। तो पुलिस ने भी वही कहा, अगर हाँ ठीक है तुम चेकअप करके आगे, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे घर में ऐसा ही हुआ, वो लोग आके जबरदस्ती किए, तो तुम उस टाइम तुम एक्शन ले सकती हो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं आई, तब आके मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे आराम से रहना है 14 दिन घर पे, उसके बाद मैं खुद ही जाऊंगी। मैं गांव वालों के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी फिक्र है, मैं इतनी दूर से ट्रैवल होके आई हूँ, ठीक है। मैं जाके मैं अपने आप को दिखाऊंगी, सब कुछ करूंगी, अगर नहीं भी हुआ तो कोई, अगर हुआ भी तो मैं खुद ही ट्रीटमेंट के लिए चले जाऊंगी, अगर नहीं भी हुआ तो मैं सारे लोगों को दिखाऊंगी वो रिपोर्ट लाइक आफ्टर 14 डेज, क्योंकि फिर मुझे बैक टू दुबई भी होना है, तो उसके वजह से भी मुझे जाना ही है। अब जो मुझे डॉक्टर बोले कि तुम बैठो घर पे, तो मैं ऑब्वियसली बैठूंगी ना, यानी कि मुझे ये लोग, अब इन लोग का जो थिंकिंग है कि इसको निकालना है, वो मुझे समझ में नहीं आ। और मैंने जब वो देखा आप लोग का लाइव चैनल, उसमें लाइक आप लोग ने भी मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया, पुलिस ने भी, लेकिन जो एक दो लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया कि ये पहले तो घर से बाहर निकलने की नहीं, ये तो पूरी झूठी बात है, क्योंकि ना ही कोई मुझसे बात करने आया, एक छोटा लड़का भेजा उन लोगों ने, मैं तो घर पे थी 10 मिनट, 5 मिनट ही हुआ था मैंने बना के बैठा हुआ, उन्होंने बस इतना ही बोला कि आपको बेटी को निकालो, ये सब बाहर उन्होंने ग्रुपिज्म किया, पुलिस बुलाया, मीडिया बुलाया, ये उतनी इशू नहीं है, क्योंकि ये आराम से कर सकते। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग ने मुझे ऐसा क्यों टॉर्चर कर, मैं तो रेडी थी। तो वो बात सरासर झूठ है। दूसरी बात, मैंने ये भी सुना कि लगा कि हम लोग को ये भाग के आई है, जिन लोगों ने आप लोग को बुलाया, पुलिस को बुलाया, मे बी दैट वो एजुकेटेड होगा, स्मार्ट होगा, बट उसकी जो स्मार्टनेस है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, जब उसको कैसे पता, उसको पता नहीं है कि जब कोई इंसान देश छोड़ के आ रहा है तो वो कैसे बीमारी लेके आ सकता है देश के अंदर। अभी ये जो सिचुएशन चल रही है ये तो बहुत ही लाइक, ये सिचुएशन तो एकदम ख़राब है, तो इस सिचुएशन में तो हर एक लाइक पर्सन को चेक किया जा रहा है। तो मैं तो इतना ट्रैवल करके आई दुबई से दिल्ली, दिल्ली से बागडोगरा, और वो बोल रहे कि मैं भाग के, कैसे मैं भाग के आऊँ, साइकिल में तो नहीं आ सकती, उड़ के नहीं आ सकती, मुझे फ्लाइट में आना होगा। और जब वो बोल रहे भाग के आए, ये जो पीछे पीछे कमेंट कर रहे हैं ना, ये बात को लेकर मुझे एकदम लाइक मेरा, मैं हर्ट भी हुई, क्योंकि
देखो मैं बाहर रहती हूँ, काम करती हूँ। अब सबसे पहले जब मेरा वैकेशन स्टार्ट हुआ तो मुझे यही आया कि मुझे अपना घर जाना चाहिए, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी लगता है मैं वहीं पर सेफ थी, ना ही मैंने कंट्री छोड़ा था, सब कुछ सही चल रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पर। मैं जब यहाँ आई, अपने लोगों ने, जहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ यहीं पर मैं पैदा हुई हूँ, यहीं इन लोगों ने ऐसा ट्रीट किया कि मैंने कोई क्राइम करके आया है, ना ही उन लोग ने मुझे कोई उन लोग मेरे ये मुझे जिस तरह से उन लोग ने बिहेव किया ना, मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में फिक्र नहीं करते। अगर फिक्र करते तो वो अच्छी तरह से करते, ना कि वो लोग ग्रुपिज्म करके इसको निकालो भाग के आई, ये कभी नहीं बोलते। तो इतने में पता चलता है कि ये कोई ये वायरस की वजह से ये लोग कोई एकदम वो नहीं है, ये लोग एक लाइक सीन क्रिएट करना, एक ड्रामा है। खुद तो वहाँ पर जाके बैठ के अदर जमाते हैं, ऐसे लॉकडाउन के वजह पे तो घर पे रहना चाहिए। मुझे ना लगता कि इन लोग को शायद हो जाएगा वायरस, जिस तरह से ये लोग बात करें, बार बार पुलिस आ रही है मारने के लिए, इन लोग को शायद हो जाएगा जिस तरह से ये लोग, ये कोई मुझे लगता है ये कोई है ही नहीं, ये लोग को कुछ दिमाग में है ही नहीं कि मुझे घर के अंदर रहना चाहिए बोल के। जैसे कि आपने सुना ये घर पे रहने के लिए बिल्कुल तैयार है, फिर भी यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ से निकल जाएं। इनको क्लीन चिट मिली है, यहाँ से दुबई से क्लीन चिट मिली है, यहाँ हॉस्पिटल से क्लीन चिट मिली है। तो जैसे कि आप कल डॉक्टर के पास गई थी, तो हम जानना चाहते हैं आप कौन से हॉस्पिटल में गई थी और उन्होंने क्या कहा आपको? मैं जब गई थी, क्योंकि मैं तो इमरजेंसी में थी, तो मैंने यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल वहाँ पर मैं गई, तो उन लोगों ने मुझे सारे बातें बताई। मैंने खुद ही कहा कि मैं दुबई से ट्रैवल करके आई हूँ, तो मुझे ऐसा ऐसा, तो उन लोग ने सब कुछ देखा, लाइक मुझे फीवर नहीं है, कफ नहीं है, सब कुछ है। तो उन्होंने बस यही कहा कि आपको 14 दिन के लाइक 14 दिन में आपको घर के अंदर रहना है, और आपको एक ही पर्सन सिर्फ खाना दे सकते हैं, और अपने फैमिली के साथ भी घुल मिल मत। ये सारी बातें तो मुझे पहले ही से ही पता थी, तो एग्जैक्टली उन्होंने भी सेम ही बोला। तो उन लोगों ने रिटर्न में लिख दिया कि तो मुझे नो कफ लाइक दैट उन्होंने लिखा हुआ है, तो मुझे घर के अंदर रहना है। अभी फ़िलहाल तो मुझे घर के ही अंदर में रहना है। अगर उन्होंने ये भी बताया कि 14 दिन के अंदर तुम्हें थोड़ा सा भी जुकाम हो लाइक बुखार हो तो तुम सीधा डॉक्टर के पास चले जाना, उन लोग ने ये बताया। तो मैं 14 दिन मुझे रहना है और मुझे देखना है कि कहीं बुखार ना आ जाए, कहीं सर्दी ना आ जाए, उसके बाद ही मैं फिर जा सकती हूँ डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला, घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। तो अभी आपको कुछ भी महसूस हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार? अभी तो मुझे ऐसा तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। अगर हो भी जाएगा तो मैं तो 14 दिन का वेट ही नहीं करूँगी, मैं तो सीधा चली जाऊँगी, क्योंकि कि मुझे तो खुद के लिए भी मुझे डर है कि कहीं इतने सारे लोग ये सीन क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं हो ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसीलिए डॉक्टर भी मुझे रखना नहीं चाहते, क्योंकि मैं तो हेल्दी हूँ, इसीलिए अगर कुछ हो जाए तो मैं खुद ही चले जाऊँगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मुझे भी सेव रहना है, लोगों को भी मुझे सेव करना है। तो ये जो लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए या आप यहाँ नहीं रहिए, तो आप इन सबको क्या कहना चाहेंगी, कोई सोशल मैसेज? मैं सोशल मैसेज यही देना चाहती हूँ कि लाइक मेरे साथ जो हुआ है मुझे कोई फ़र्क नहीं है एक्चुअली, ना ही मेरे इमोशनल को लाइक उतना मुझे हर्ट हुआ है, ना ही मेरे मेंटेलिटी को। मुझे पता है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, बट मुझे ये तो होती ही रहती है, मेरे सामने हर किसी के साथ हुई है। मैं बस जो अभी मेरी वजह से जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में कोई भी आए फॉरेन से ट्रैवल करके, उनको डायरेक्ट मत बोले कि इसने वो वायरस लेके आया हुआ है। पहले उनको रिसर्च करिए, किसी दूसरे के मामले में पहले घुसने से पहले उसको जानना चाहिए कि कैसे ये आई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी दूर से आई है, ऐसे तो कोई जाने नहीं देते। उसके बाद इनिशिएटिव लो, अच्छी तरह से लो, और अगर आपको बुखार है तो चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, मैं आपको मेडिकल टीम भेजती हूँ। ये नहीं कि ये तो आई इसको भगाओ, ये ऐसे मुँह छोप के पूरा भाग रहे हैं ये लोग, ये मीडिया बुलाओ, पुलिस बुलाओ। अच्छा आपको बुलाना है तो पहले उसको ले जाओ मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए। मेडिकल सबसे पहले तो मीडिया और पुलिस से पहले तो मेडिकल टीम ही भेजना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, कोई भी लोग आपके परिवार में या दोस्त में कोई भी आए तो उनको ऐसा बिहेव ना करे, ताकि लाइक वही इतना लोग इतने एग्रेसिव है तो वो विक्टिम भी क्या करेगी। मैं तो इतनी बोल रही हूँ, कोई कोई तो बोल ही नहीं, छुप के बैठे होंगे शायद कोई कोई। मैं और इवन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फॉरेन से तो बात ही छोड़ दीजिए, कलकत्ता से भी आएंगे तो आपको पकड़ लेंगे, ऐसा सीन है यहाँ पे। तो ठीक है पकड़ो, कोई बात नहीं, दूसरे के जगह में आके बैठ रहे हो कोई अननोन पर्सन, ये करेक्ट वे, लेकिन आपको पहले उसको जानना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को भी। और मैं यही बोलना चाहती हूँ सभी लोगों को कि पहले सोचो समझो, उसके बाद एक्शन उठाओ और खुद सेफ रहो, बाकी लोगों को भी सेफ करो। मेरा बस यही है सब लोगों से कहना। तो जैसे कि हमने शिवानी जी से बात की, ये घर में 14 दिन रहने को रेडी है, लेकिन फिर भी ये लोग समझना नहीं चाहते कि इन्हें क्लीन चिट मिली है दुबई, वहाँ से एयरपोर्ट से भी यहाँ पर भी इनको क्लीन चिट मिल रही है, ये फिर भी घर पे रहने को रेडी हैं। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा हो या आसपास कोई भी ऐसा, तो इन्हें समझे
इन्हें कोई कोई मतलब से ही क्लीन चिट मिली होगी, ऐसे तो मिलेगी नहीं, नहीं तो कुछ लोग हॉस्पिटल में क्यों और ये यहाँ क्यों होती। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब साथ रहें, साथ मतलब दूर रहकर एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को इस वायरस से बचाएं। धन्यवाद। तैयारी फ्लैट लाखों को बजट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सीले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट होस्टेल, कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। अगर आप है खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदम तल्ला माटीगारा सिलीगुड़ी, सालबारी सुखना, अपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002299606 अथवा 8695149676।